हेलो, आई एम चंद्रकांत सोनावने. यू आर वॉचिंग मी ऑन मूवीज अड्डा. लाइक करे, शेयर करे एंड कॉमेंट करे. हेलो गाइज, दिस इज ज्योति नाहक एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा. वेल, यूजुअली दोस्तों बॉलीवुड में फिल्में जो होती हैं वो ऑफकोर्स एपिक फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा एपिक होते हैं फिल्मों में कॉस्ट्यूम्स. आजकल यू नो बॉलीवुड में फिल्में जिस तरह की बन रही हैं, जब भी आप पुरानी फिल्में देखें, न्यू फिल्में देखें, एक चीज़ जो लोगों को हमेशा याद रहती है वो होता है या तो उनकी ड्रेसेस या फिर गाने. जितना गाने इंपॉर्टेंट होते हैं उतने ही ड्रेसेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि कॉस्ट्यूम्स. आजकल के ज़माने की अगर मैं बात करूं तो अगर भंसाली फिल्मों की हम बात करें, सबसे ज़्यादा जो चीज़ महत्वपूर्ण होती है वो होते हैं भंसाली जी के सेट्स, लार्जर देन लाइफ ड्रेसेस, कॉस्ट्यूम्स, ओवर ड्रामेटिक कॉस्ट्यूम्स. और उन कॉस्ट्यूम्स को बनाने वाले फिलहाल मेरे साथ बैठे हैं, यानी कि आप ज़रा खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, क्योंकि आप इतने महान हैं, इतनी ग्रेट आपने ड्रेसेस यू नो बनाई हैं कि मैं शायद नाम ही ना ले पाऊँ. सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर चंद्रकांत सोनावने. हेलो सर, वेलकम टू मूवीज अड्डा. हेलो, हाय. तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी यू नो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज जो लोग नहीं जानते, आई एम श्योर काफ़ी लोग इस बात को शायद नहीं जानते होंगे कि ही इज़ द मैन बिहाइंड द ड्रेसेस. यू नो जितने भी आपने लार्जर देन लाइफ सेट्स देखे हैं, कॉस्ट्यूम्स देखे हैं वहाँ पर, चाहे रामलीला हो, बाजीराव मस्तानी हो एंड मोस्ट रिसेंटली पद्मावत, वो सब आपने बनाए हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे? या डेफिनेटली, मैं पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे संजय सर ने अपनी फिल्मों में काम करने का मौका दिया. एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ. इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ. आई थिंक मेरा जो ड्रीम था वो ड्रीम कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सर की वजह से कंप्लीट हो चुका है. सो दैट्स इट. अच्छा, अगर सबसे पहले प्रोजेक्ट की बात करूँ तो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे आपके सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? सबसे पहला प्रोजेक्ट मैं जब कॉलेज में था तब एक मेरी फ्रेंड थी मारिया करके, उसका प्रोजेक्ट था इंडो ईरानी फिल्म. सो दैट वाज दीवानेश. सो किस तरीके से आपको यू नो ये आपको रियलाइज हुआ, या फिर कब, वो कौन सा मोमेंट था जब आपने सोचा कि यू नो दैट आई हैव टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर? एक्चुअली जब मैं 9th में था तब मैंने भानुआत्थाया जी का एक आर्टिकल पढ़ा था. उस आर्टिकल के बारे में मुझे उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था, मतलब एक फैशन डिज़ाइनिंग करके एक करियर भी होता है. सो बट वो उस टाइम पे मैं कॉलेज स्कूल में था और स्कूल में जो अदर एक्टिविटीज़ होती थी, डांस, एक्टिंग वगैरह, उसमें बहुत एक्टिव हुआ करता था. बट उस टाइम पे एक ऐसा आर्टिकल पढ़ा, एक ऐसे फील्ड के बारे में मुझे पता चला था कि जो उन लोगों के लिए, जहाँ मेरे आजू बाजू में जो लोग था, सर्कल था, उनके लिए बहुत नया था. और मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा कि ये जो अलग फील्ड है इसमें मैं अपना करियर कर लूँ. उस टाइम पे मैंने बहुत ही कैजुअली और मजाक में उस चीज़ को लिया था. बट डे बाय डे जैसे टाइम बढ़ता गया आगे, उस चीज़ को मेरे दिल में इतना गहराई से वो चीज़ मेरे दिल में इतनी गहराई से दब चुकी थी, भर चुकी थी, कि अब मुझे फैशन डिज़ाइनिंग के सिवा और कुछ समझ में नहीं आ रहा था. सो आई थिंक उस टाइम पे जो मेरा सपना, एक अनजाना सपना जो मेरे अंदर पैदा हुआ था, जाग चुका था, वो कहीं ना कहीं आज कंप्लीट हो चुका है. ऑल्सो यू नो मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपका पहला रिएक्शन था जब आपको पता चला कि यू नो किस तरीके से भंसाली सर ने आपको कॉल किया, या किस तरीके से वो चीज़ हुई, वो ज़रा इलैबोरेट करके बताइए. मेरा डेफिनेटली मेरा नहीं, किसी भी एक डिज़ाइनर का रिएक्शन वाव ऐसा ही होने वाला है. तो सो मेरी फ्रेंड भाग्यश्री करके थी, वो बॉम्बे में लफंगे परिंदे का शूट कर रही थी. उस टाइम पे उसको पता चला था कि भंसाली प्रोडक्शन में जो डिज़ाइनर है मैक्सिमा बासु, उनके लिए उनके यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट था कि एज एन असिस्टेंट उनको एक कोई चाहिए था ऑन बोर्ड फॉर रामलीला. सो उसने मुझे फ़ोन किया और तब मुझे आई थिंक उसका फ़ोन आना और उसने ये बताना कि संजय लीला भंसाली सर की एक फ़िल्म है और रामलीला करके, और उसके जो डिज़ाइनर है उनके यहाँ पे एक वैकेंसी है या उनको कोई असिस्टेंट डिज़ाइनर चाहिए, रिक्वायरमेंट है. सो डेफिनेटली उस टाइम पे मेरे दिमाग में वाव यही चीज़ें चल रही थी. और आई थिंक तब जाके, आई थिंक उसके पहले 2-3 साल मेरा फिल्म इंडस्ट्री में, लाइक मराठी फिल्म इंडस्ट्री और रीजनल फिल्मों में मैंने डिज़ाइन कर लिया था. बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अब मैं बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ. दैट इज़ लाइक वाव.
अच्छा, जिस तरीके से हमने यू नो रामलीला के सॉन्ग्स देखे हैं और बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, सभी के गाने हमने देखे हैं, नगाड़ा सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और वो लहंगा भी अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. आई थिंक सम 100 किलोज का कुछ था, 50 और समथिंग, 30-35 किलो. 100 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लोग पागल ही हो जाएंगे, बट सॉरी. ओके, सो 50-35 समथिंग किलोज का वो लहंगा था. कैसे, हाउ डिड यू मेक इट? एक्चुअली संजय सर का जो ड्रीम होता है वो ड्रीम या उनका जो टेस्ट होता है वो फुलफिल करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है. इतनी डिटेलिंग, इतना डिटेल के साथ उसके ऊपर काम किया जाता है कि वो हर एक एंगल से सर ऑब्जर्व करते एक चीज़. अगर वो टर्न करेगी तो उसके अंदर 3-4 और एलिमेंट हो, बैक साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट, राइट. सो आई थिंक ये सारी चीज़ें एक आउटफिट में डालने के लिए तो डेफिनेटली इतना सब करना ही पड़ता है. अच्छा, 3 फिल्मों के 3 गाने, अगर मैं नगाड़ा सॉन्ग की बात करूँ रामलीला से, उसके बाद बाजीराव मस्तानी से दीवानी मस्तानी सॉन्ग, और फिर आया घूमर सॉन्ग, तो ये तीनों ही अलग अलग जॉनर के गाने थे. तीनों ही, एक घूमर सॉन्ग था जहाँ टिपिकल फोक ड्रेस चाहिए होती थी, तो किस तरीके से विजन लगता है, क्या सोच के वो ड्रेसेस बनाई जाती हैं, और कहीं ना कहीं भंसाली सर भी इन्वॉल्व रहते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस ड्रेस बनने के? या डेफिनेटली आई थिंक फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सर इन्वॉल्व रहते हैं ईच एंड एवरी डिटेल. उनको थीम वाइज, लाइक अगर हम महाराष्ट्र का कोई गाना कर रहे हैं जैसे पिंगा था, तो उसमें कोई एलिमेंट किसी दूसरी तरह का नहीं आ सकता, तो उसमें वो सारे मराठा के एलिमेंट्स और वो ट्रेडिशनल चीज़ें उनको देखने को चाहिए होती है. तो इंक्लूडिंग फिटिंग, कट कहाँ होता था, वो आके बोलते थे ब्लाउज़ अगर 1 इंच बड़ा भी होता था तो बोलते नहीं छोटा करो. सो आई थिंक इट वॉज फैंटेस्टिक एक्सपीरियंस है. और तीनों भी गाने देखे और तीनों गाने का जो लय, ताल और सुर है वो तीनों चीज़ें अलग है. ट्रेडिशन वाइज भी अलग है, राजपूत, एक मुस्लिम और एक डायरेक्टली आप राजस्थान गुजरात वाला जो है, तो आई थिंक फैंटेस्टिक. अच्छा, अगर मैं बात करूँ यू नो आपकी रीसेंट फिल्म, अब जो लोग ये भी नहीं जानते उन्हें भी मैं बता देती हूँ, रीसेंट फिल्म आपकी आने वाली है पीएम नरेंद्र मोदी, जिसमें विवेक ओब्रॉय हैं, उस फिल्म के लिए भी आपने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन की है. सो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत कम टाइम था, लेकिन रिसर्च के हिसाब से देखा जाए तो आई थिंक मीडिया, आप लोगों ने इतना कुछ बना के रखा है जो हम लोगों के काम आता है, तो डेफिनेटली आप लोगों की बहुत ही हेल्प हुई है. नरेंद्र सर जी का बचपन से लेके अब तक का जर्नी हमें गूगल करेंगे या मीडिया पे देखेंगे तो अवेलेबल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था. पैरेलली अगर हम देखते हैं तो गांव से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो वो जर्नी अगर आपको जाननी थी तो वो जानने के लिए हमें अहमदाबाद जाना पड़ा, हमें वाडनगर जाना पड़ा, वहाँ जाके लोकल लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ मोदी जी उठते बैठे थे, वैसे लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद वो ऑथेंटिसिटी और वो चीज़ें क्रिएट करने का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अमेजिंग था. अच्छा, यू नो जो जब भंसाली फिल्म्स होती हैं वो यूजुअली ऐसी होती हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कॉस्ट्यूम्स ये सब होता है, लेकिन अगर मैं पीएम मोदी की बात करूँ तो बहुत ही सिंपलिसिटी वाले ड्रेसेस थे, तो कितना ज़्यादा प्रेशर, कहाँ पे ज़्यादा प्रेशर, ऑफकोर्स मैं जानती हूँ कहाँ ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कहाँ पे ज़्यादा प्रेशराइज फील होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रेसेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं इंसान का कैरेक्टर दिखाने के लिए ऑन स्क्रीन, तो पीएम नरेंद्र मोदी में ज़्यादा प्रेशर था या वहाँ पे? आई थिंक दोनों फिल्मों में अपना अलग प्रेशर था. डेफिनेटली संजय सर का विजन बहुत अलग है और एट द सेम टाइम उमंग सर का भी विजन बहुत अलग है, तो उनको ऑथेंटिसिटी, वो एक चीज़, हर एक चीज़ सेम डिटेल वगैरह उनको भी चाहिए था, बट सिंपलिसिटी के साथ. सो आई थिंक दोनों टाइम पे एज एन डिज़ाइनर उतना ही प्रेशर लेना पड़ता है जितना एक, आई थिंक किसी का प्रोजेक्ट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आउटफिट का अपना आइडेंटिटी होता है, उसको क्रिएट करने के पीछे जो टेक्निक होती है वो टेक्निक हर किसी का अलग होता है, लेकिन उतना ही प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है. तो आई थिंक पैरेलली मेरे लिए तो दोनों भी उतने ही प्रेशर में और अच्छे से काम करने का मौका मिला. अच्छा, जितने भी एक्टर्स के लिए आपने कपड़े डिज़ाइन किए, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, अकॉर्डिंग टू यू, नाउ दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है आपके डिज़ाइन किए हुए कपड़े किस एक्ट्रेस के ऊपर या किस एक्टर के ऊपर सबसे अच्छे लगते हैं? डेफिनेटली माधुरी मैम. सो माधुरी मैम के साथ आपने काम किया, उसके बारे में भी ज़रा बताइए. मतलब आई थिंक मेरा क्या, इस जनरेशन का जो भी, मेरे जनरेशन का जो भी बंदा होगा या डिज़ाइनर होगा डेफिनेटली चाहता है कि माधुरी मैम के साथ काम किया करें या उनको मौका मिले. तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला और काम, वो आज भी उतनी ही एनर्जी के साथ काम करते हैं
और उतना ही एक्सपेरिमेंटल है, और एज अ पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मुझे उनके साथ काम करने को मिला. अच्छा, आपके ऑफ कोर्स बॉलीवुड में यू नो खान्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, हर कोई चाहता है खान्स के साथ एक बार काम तो ज़रूर करना है. तो आपकी बकेट लिस्ट में है खान्स के साथ काम करना, किस खान के साथ स्पेसिफिकली? डेफिनेटली बकेट लिस्ट में तो है, बट आई थिंक सलमान सर के साथ अगर काम करने को मौका मिला तो मुझे अच्छा लगेगा. और आपने बात की ही है तो कौन सी फिल्में हैं जो आपको लगता था कि यू नो आपने देखी और आपको लगा कि यार ये फिल्म बहुत अच्छी है, इसमें मैं डिज़ाइन कर सकता था कपड़े? आई थिंक उनकी जो फिल्म थी बजरंगी भाईजान, वो मुझे अगर मुझे मौका मिलता तो मतलब मैं बहुत खुश होता था. वो फिल्म के लिए मुझे डिज़ाइन करना बहुत पसंद आता था. ऐसा हो सकता है शायद कि आपको जल्द से जल्द मौका मिल जाए एज फार अभी तक, क्योंकि भंसाली जी की फिल्म में आप कर रहे हैं. अगर आपको बताओ इंशाल्लाह भी आने वाली है आलिया और सलमान की, भंसाली जी डायरेक्ट कर रहे हैं, सो चांसेस है हम वहाँ पे आपको देख सकते हैं उनके साथ काम करते हुए? आई थिंक अभी तो बहुत ही प्री प्रोसेस चल रहा है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा अगेन इंशाल्लाह. ऑफकोर्स सलमान की भारत फिल्म भी आ रही है, सो पर्सनली अदर देन कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, पर्सनली आप कितना पसंद करते हैं उनकी फिल्म्स को या उनकी एक्टिंग को? मुझे सी एज अ वो एक स्टार है, एक्टिंग वगैरह वो पार्ट अगर आप अलग रखो तो उस चीज़ों को छोड़ दोगे तो मुझे पर्सनली सलमान सर की हर फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की आदत है. और आई थिंक ये तो बहुत ही अमेजिंग टाइम है जो उनके अलग अलग वेरिएशंस, अलग अलग रूप, अलग अलग अवतार आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. आपका फेवरेट कौन सा लुक? आई थिंक मुस्टाच विथ सनग्लासेस वाला. यूजुअली लोगों को वही लुक ज़्यादा पसंद आ रहा है, बट अगर आप यू नो इस फिल्म के फैशन डिज़ाइनर या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर होते तो आप कौन सा फिल्म मतलब कौन से लुक को आप डिज़ाइन करने की कोशिश करते? डेफिनेटली इसमें आई थिंक बहुत सारे वेरिएशन आ गए हैं तो, बट यार डेफिनेटली मुझे भी मैं भी होता तो मुझे मुस्टाच और सनग्लासेस के साथ जो लुक आ गया पसंद वही करता था. अच्छा, अगर फैशन डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो यू नो आजकल कान्स बहुत ज़्यादा छाया हुआ है, सोनम से लेकर दीपिका से लेकर यू नो ऐश्वर्या राय से लेकर हर कोई कान्स में जा रहा है. अगर मैं आपको पूछना चाहूँ आपका पर्सनल फेवरेट कौन था इस साल कान्स में? प्रियंका चोपड़ा. अगर ही वॉज अमेजिंग. आई थिंक आई डोंट नो इंडिया में बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रोल किया है, बट मुझे पर्सनली लगता है एक थीम होता है, आप अगर उस थीम को कंसिडर करके अगर जजमेंट हो सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. वो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, अपनी अपने इंडिया को, अपनी कंट्री को उन्होंने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया, ये बहुत बड़ी बात होती है. या सो आई रियली अप्रिशिएट एंड शी वॉज फैंटेस्टिक इन दैट. अच्छा, अगर आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो क्या बताना चाहेंगे, कौन कौन सी चीज़ें और पेंडिंग है, क्या क्या चीज़ें आने वाली है प्लेट में और क्या क्या है जो ऑडियंस बहुत जल्द देख सकती है? प्लेट में बहुत कुछ है लेकिन अभी हम कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हाउसफुल 4 आ जाएगी. देन टीवी शोज हैं और मराठी फिल्म्स भी हैं. सो या अच्छा, जैसे आपने कहा यू नो टीवी शोज़ में भी आपने कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइन किए, तो कितना डिफरेंट होता है, कुछ भी हल्का सा भी डिफरेंस होता है टीवी में कपड़े डिज़ाइन करने का कंपेयर टू यू नो फिल्म्स? क्योंकि फिल्म्स जो होती हैं ऑफकोर्स एक बार रिलीज होती है एंड देन खत्म, बट टीवी जो है इट्स अ लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस, हर दिन नए ड्रेसेस, हर दिन नया शूट, तो क्या डिफरेंस लगता है? आई थिंक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. तुम्हें कलर पैलेट चूज़ करना होता है क्योंकि फिल्म बड़े स्क्रीन पे जब आप देखते हो तो हर एक चीज़ उतनी इफ़ेक्टफुली आपकी तरफ पहुंचती है, और टीवी में जो आप चीज़ें देखते हो तो उतना नहीं पहुंचता. तो आई थिंक दोनों का अपना अलग जोनर है. ब्राइट वाइब्रेंट कलर ज़्यादा पसंद करते हैं टीवी में, सटल चीज़ें फिल्मों में यूज़ की जाती है. तो आई थिंक या बहुत आर डिफरेंट, एंड मुझे पर्सनली दोनों भी मीडियम में काम करने का बहुत अलग एक्सपीरियंस आ गया था. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. सो लास्टली जाते जाते अपने फैंस के लिए, क्योंकि अब डेफिनेटली जिन लोगों को पता चल चुका है कि आप ही वो इंसान हो जो कपड़े डिज़ाइन करते हो यू नो इन ग्रैंड कॉस्ट्यूम्स के पीछे आप ही वो इंसान हो, तो क्या कहना चाहोगे फैंस को और व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ को हर एक मोमेंट जियो और अपने अपना एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट बनाओ, खुद अच्छे कपड़े पहनो, पॉजिटिव रहो और पॉजिटिविटी फैलाओ. अच्छा, अब क्योंकि आप हमारे चैनल पे हैं तो मुझे आपको ये अगर टिप देना चाहें तो क्या होगा? मेरे जगह और भी बाकी लोग भी यूज़ कर सकते हो, बट फॉर मी अगर कोई टिप देना चाहो तो कौन सी टिप होगी? आई थिंक
टिप वाइज देखा जाए तो कुछ ज़रूरत नहीं है आपको टिप के, आप इतने सुंदर लग रहे हो. बट आई ट्राई एंड वेयर लाइक नाइस पेस्टल कलर्स, सो आई थिंक इट्स या. देखा, इसको कहते हैं अपनी तारीफ निकलवा लेना जबरदस्ती. सामने वाला ना भी करे तो भी यू ट्राई कि सामने वाला कर ले तारीफ. ओके, तो मैं मान लेती हूँ कि हाँ मेरी तारीफ हो रही है. ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट.